अच्छा अब ये आपने सबसे पहले फाइल में आप मैं आपको ना ये सॉफ्टवेयर दूंगा एंड्रॉइड एक्स फाइव, सर ये यही वाला है मेरे पास, आपसे ही लिया ठीक था है। और इसको फिर आपने वो करना होता है क्रैक, क्रैक वो शायद आपका वो रजिस्टर्ड हो जो भी है, क्रैक ऐसे करना है जब ये इंस्टॉल हो जाए ना, तो उसके बाद ना ये एंड्रॉइड एक्स फाइव मेरे पास पड़ा है। अच्छा ये है कि जिस तरह ये सॉफ्टवेयर में बायो सॉफ्टवेयर के अंदर ये एंड्रॉइड एक्स फाइव पड़ा है, आपने क्रैक में जाना है, ये नहीं इसके ये क्रैक नहीं जाना, ये ऊपर क्रैक देखा हुआ, यहाँ जाके यहाँ पर ये जो फाइल है ना ऊपर वाली इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर आपने इसको सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम FIL X86 यहाँ पर एंड्रॉइड एक्स फाइव होगा, यहाँ जाके आपने इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करेंगे तो आई आर इफ रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, ये करेंगे तो आपका ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब एंड्रॉइड एक्स फाइव अच्छा ये हो गया रजिस्टर्ड। अब आपने क्या करना है कि जब ये फाइल खोलेंगे तो ये जो लाइब्रेरी है यही वाली ये मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। तो आपने फाइल में जाके इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ ये लाइब्रेरी पड़ी हुई जिस तरह ये फाइल ये पड़ी हुई है, तो ये बल्कि मैं इसको ना इस फाइल को एज ए सेव एज एक मिनट इसको लोकल लाइब्रेरी मोड में जाके फाइल सेव अ कॉपी, ठीक है। ये मैं आपका ना एक फोल्डर बनाता हूँ ताकि मैं आपकी चीज़ें उधर ही रखता जाऊँ, PhD स्टूडेंट किधर है, ये इधर जाकर न्यू फोल्डर फातिमा, हाँ जी फातिमा ही लिख रही आपका नाम कदी फातिमा है ना, हूँ जी सर, वैसे आईडी कार्ड पे कंदील इशफाक है चलो कदीर इशफाक लिख देते हैं आप, लेकिन सर। आप इशफाक आपको फातिमा ही कहते हैं ना। हाँ जी फातिमा ही कहते हैं सर, वो सिर्फ आईडी कार्ड पे जिनको पता है वो यूज़ नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, आपका है कदीर, लाइब्रेरी का नाम रख रहा हूँ _ETI _Gemini Virus, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। आप जब यही लाइब्रेरी में आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी रेफरेंसेस हैं और ये वही रेफरेंसेस हैं इसके अंदर सारे जो आपके इस के अंदर भी है, सिनॉप्सिस के अंदर भी है, ठीक है। जिस तरह ये है ना, अब आप देखिए मैं आपको पहले ना एक वो करके दे देता हूँ, फिर ये जो आपका है ना रेफरेंस आइडेंटिफिकेशन आ गया। अब ये देखिए ये वाला ये ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ, ये देखो ठीक है, ये ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा ये भी ऑलरेडी ऐड हुआ सर हुआ। ये वो कुछ चीजें वही है ना जो मैंने कॉपी पेस्ट सेम कर ली है। अच्छा अब ये जो है ना जो जो हाईलाइट हो रहे हैं ना वो ऐड है, मेरी बात की सही हो। समझ आ गई, हाँ ठीक जी है। जो हाईलाइट नहीं हो रहे वो ऐड नहीं है, जिस तरह ये जो आपने ऐड किए हुए ये ऐड नहीं है, ये जो नहीं देखो ना है। हाईलाइट नहीं हो रहे, ठीक है। अब इसको ना रेफर्स किया, अब मैं आपको ये देखता हूँ कि आपका ये जो पेपर रिसर्च पेपर है आपने पहले वाला, ये कह रहे हैं कि ये किसका है, सर ये खोखर खोखर 2014। अब ये पता नहीं ये अच्छा अब ये मुझे लगता है कि इंटरनेट पे पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ही कोई सर, वो नीचे इसका मैंने दिया हुआ रेफरेंस रेफरेंस किधर कंपनी है, वो किधर है, नीचे होगा सबसे पहला ही होगा इसी का, ये वाला ये है, हाल ये किस में है, एग्रीकल्चर कॉर्नर। अच्छा अब ये एग्रीकल्चर कॉर्नर ये कहाँ का है, तो इसको कॉपी करते हैं फर्ज किया। अच्छा हम इसको कॉपी करें, मे बी इसका रेफरेंस हमें मिल जाए कहीं से, जब हम इसको जाएंगे इधर अगर हमें मिल जाता है, ये है सर यही है रिसर्च गेट पे जो नीचे आ रहा है। ये वाला हाँ पेपर है, जी प्रोडक्शन स्टेटस ऑफ मेजर रिसर्च गेट वाले की बजाय ना इसका एग्री कॉर्नर यही है ना। अच्छा ये कॉर्नर .com लेकिन इसका वो नहीं होगा मुझे लगता है कोई, ये आर्टिकल टाइप कुछ है। लेकिन इसका खोखर इसका ये वो नहीं है, रिसर्च टाइप नहीं है, ठीक है। अच्छा इस तरह के अगर रेफरेंस आपने ऐड करने हैं ये तो आपने मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा ये किधर है आपका, किधर आ गया ये नहीं, ये तो नहीं है, अभी आपका सलाह से किधर गया सर ये ये।
ठीक है, अब ये दूसरे वाला कर ले। नहीं फर्ज की, अब इसको ना इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। फर्ज की आपने ऐड कैसे करना, मैनुअली इसको कॉपी करके आपने लोकल लाइब्रेरी मोड में जाना, दो ऑनलाइन है एक लोकल है, लोकल वाले में जाके रेफरेंस में जाके न्यू रेफरेंस, ठीक है, इधर इसको पेस्ट कर देना। ये तो उनके लिए जो जो हमें ऑनलाइन नहीं मिला, हाँ ये, और इस सारे को आपने कट कर देना और इसको इधर ईयर में लिख देना, ईयर वाले में ईयर, सर हम वर्ड पे भी तो करते हैं ऐड साइटेशन, तो वो बच्चे आप वो थोड़ा सा ये एक बार का काम है, ये नेक्स्ट टाइम मैंने ये भी नहीं करवाना आपका, ये वाला ये बहुत इजी है, मुझे बड़ा इससे ना मुझे काम करना बड़ा इजी हो जाता है, आपके सुपरवाइजर है ना उसको इजी हो जाता है काम करना। अब एग्रीकल्चर कॉर्नर ये जनरल का नाम है, ठीक है, ये मैं इधर आ गए, ठीक है, और ये जो आपके हैं इसको हम कर देते हैं पेजेस में जाके, ठीक है, हालांकि ये पेजेस नहीं है वैसे, पेजेस में जाके मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक हो गया। अब ये जो है इसके अंदर ऐड हो गया, अब यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ या यहाँ पर जो भी पेपर है इसका यहाँ जाके इसको, लेकिन वैसे ये तो इस वेजिटेबल की जो इम्पोर्टेंस है ना वो तो और भी कहीं पेपर्स में होंगी, फर्स्ट क्या वेजिटेबल्स है ना, अब ये क्या है वेजिटेबल्स एंड न्यूट्रिशन, ये नॉर्मली ये है, ठीक है ना, वेजिटेबल, अच्छा वेजिटेबल्स एक मिनट, न्यूट्रिशन, अब ये क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जाएंगे ऑनलाइन में, यहाँ इसमें ऑनलाइन मोड में जाएंगे, यहाँ पर पब्लिक में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे वेजिटेबल्स एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, अच्छा इसमें ऑल फील्ड में जाना है आपने और फिर आपने इसको सर्च करना, वेजिटेबल न्यूट्रिशन के ऊपर आपको काफी पेपर मिल जाएंगे, मुझे देखो कितने ज्यादा है, ठीक है, अच्छा इसमें हम फर्स्ट के हम लेटेस्ट कर देते हैं लेटेस्ट ईयर के, क्योंकि लेटेस्ट जितने होंगे उतने ज्यादा अच्छा है 2020 के, ठीक है, सिर्फ वही पेपर शो होंगे जो 2020 के हैं, ठीक है, ये भी इतने ज्यादा इतना लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है, फर्ज किया हमने ये इसको ओके किया, अब ये आस्ता आस्ता रिट्रीव होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अब फर्ज किया हमने हमारे पास ये कौन सा पेपर है, रिलेशनशिप ऑफ पेप्टाइड्स वेट लॉस प्रोग्राम यूजिंग सीड प्राइमिंग कंडीशंस है, ठीक है, फर्ज के इसको अब हम स्टॉप कर देते हैं, कैंसिल कर दें, बस बाकी रहने दें, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स फ्लैश, फर्ज किया ये है, ये हमारा पेपर फर्ज किया, इसको हम पहले कॉपी करना है, फिर इसको लोकल लाइब्रेरी मोड में लेकर आना है और फिर इधर पेस्ट कर देना है इसको, जो हमने अपने सारे करने में हमने लोकल में करके जाना था, लोकल में करके फिर कॉपी करना है यहाँ से, फिर यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट करना, फिर हमने क्या करना है फर्ज किया यहाँ पर हम फर्ज के यहाँ पर न्यूट्रिशन वाले में जाके हम यहाँ इसको पेस्ट कर दें, जब पेस्ट कर देंगे फिर आपने एंड नोट एक्स फाइव में जाना है, इसको जाके अपडेट कर देना, जब अपडेट करेंगे ये यदाना ना ये देखो तो ये बेले, ठीक है, ये आप वो दूसरे वाले ऐड कर रहा है ना, ये ऑलरेडी जो आपने ऐड किए हुए थे ना, ये देखो पहले वो भी ऐड हो गए, ये देखे अब ये जो है ना ये, ठीक है, ये तो पहले आपने ऐड किए हुए थे ना, ये भाई है अब, ठीक है, ये वाले हैं अब, ठीक है, जो जो आपके ऐड हुए हैं, ठीक हो गया, मेरी बात की समझ आ गई, अच्छा अब हमने ये ऊपर वाले डिलीट कर देने बाद में जब हमारा सारा हाँ, ये खत्म कर देने हैं हमने, ठीक है, अब फर्ज किया हमारा एक और सर्च पेपर है, जैसा ये है मेरा, ये आपने इधर ऐड किया हुआ है, मेरा रिसर्च पेपर है एम एच पी के टल, ये 2012 का मेरा पेपर है, ये है पेपर लीफ का लाहौर वायरस के ऊपर, ठीक है, अब आपने पेपर लीफ का लाहौर वायरस हमने इधर लिखते हैं या पेपर लीफ का वायरस लिख देते हैं, जो जितने भी रिसर्च पेपर होंगे ना पेपर लीफ कल वायरस के वो हम इधर ऐड हो जाएंगे और वो सारे, अच्छा ऑल फील्ड में जाके इसको हम करेंगे पेपर लीफ कल लाहौर वायरस, पेपर लीफ कल वायरस, अच्छा इसको हम सर्च आउट करेंगे तो हमें जितने भी पेपर है ना पेपर लीफ कल वायरस के 103 पेपर है
वो सारे के सारे रिसर्च पेपर इधर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। हम इससे बहुत ज्यादा साइटेशन दे सकते हैं। फर्ज किया अब ये जो ये 40 हो गए, ये 100 हो जाएंगे अभी, ठीक है, 60 हो गए हैं और ये हो गए 80, 100 जो भी सारे आ गए 100 और 3। अच्छा पहले तो ये जो हमारे जितने भी आपको रिसर्च पेपर लग रहे हैं ना जो इस सिनॉप्सिस के अंदर, इसको देखें तो ये के प्रीव्यू में जाए, इफेक्ट ऑफ स्वीट पोटैटो प्रोडक्शन पॉपुलेशन इन चिली पेपर, ये तो नहीं है। डिटरमिनेटेड ऑफ लीफ कल कोकरा वायरस इन टोमेटो, टोमेटो के ऊपर भी है, ठीक है, ये पेपर हमारा। ये फर्स्ट वोटर टोमेटो रुगोस, ये जैवनी वायरस नहीं है, इसको रहने दें। अच्छा और फर्ज किया ये वायरस आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एसोसिएटेड पेपर, ठीक है, मॉलिकुलर मैपिंग ऑफ डोमिनेंट रेजिस्टेंट जीन इन चिली पेपर लीफ कल लाहौर वायरस, और इसके अलावा जो मेरे वाला पेपर है 2010 का, ये शफीक नाम के ऊपर होगा, वो किधर है गया 2010, ये शफीक, ये सारे हमने कॉपी किए, ठीक है, ये आपकी लाइब्रेरी के अंदर मैंने पेस्ट कर दिए, ठीक है। और अब यहाँ से मैंने सारे दोबारा कॉपी किए और कट्ठे ही हमने ये सारे जो वायरसेस हैं डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर, ये हमने कॉटन के बाद, अच्छा ये फिर ये जो आपने लगाया है ना नुकता, ये रेफरेंस के बाद ऐड आना, ठीक है, अब ये हमने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इसको हमने डिलीट कर दिया। अब आपका ये वाला जो था ना, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करूंगा, मैं अपडेट करूंगा, आइए जो इसके अंदर नंबर्स है जो सारे खत्म हो जाएंगे, और ये देखो अब ये हाईलाइट हो जाएंगे और ये सारे के सारे नीचे आ गए, ठीक हो गया, मेरी बात की समझ आ गई शफीक, ये वो सारे सारे रेफरेंसेस इधर आ गए, इस तरह इजी हो जाता है, ठीक है सर। ये इधर से मैं पहले करके उधर कर लूंगी ना, और हाँ, फिर वहां से इधर ऐड करती रहूंगी, वहां से इधर ऐड कर देना, ठीक है। और इसको जितना अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लूंगा, ठीक है, एक या दो रेफरेंस में आ जाए। और इसको आपने वो कर लिया है, प्लेजरिज्म चेक किया? नहीं सर अभी नहीं किया। अच्छा तो मैं ना आपको एक प्लेजरिज्म वाला सॉफ्टवेयर है उसका मैं आपको मेंबर बना देता हूँ, ठीक है। आगे अच्छा टर्नटिन आपके पास है इसका फोन? सर पहले आपने ही दिया था लेकिन अब वो मेरे घर में चलता ही नहीं है। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। सर कितना अलाउ है इसमें प्लेजरिज्म? 10% लेस देन 20, लेस देन 20%। सर ये कब तक है मीटिंग केटीपीसीसी के कल? ये नेक्स्ट वीक है। ओ टेंशन ही नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप एक को बताओ मेरी बहुत कमांड है, ठीक है। अब ये है फ्लावर प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म चेकिंग, ये कब की है? 30th June 2000। अच्छा अब इसमें हम स्टूडेंट्स को ऐड कर दें, दानिश ऐड हुआ हुआ इसमें। अच्छा आपका बताएं कंदील, आगे है फातिमा, नहीं क्या है दूसरा? ISHFAQ ईमेल कंदील QANDEEL.CH28@gmail.com। आप गुजर है? नहीं सर अराई, अराई है। अच्छा एट gmail.com, ठीक हो गया, ये हो गया आपका। अब आप यू कैन चेक, ये सब पता है ना कैसे चेक करते हैं? ठीक हो गया, बाकी रेफरेंस भी कर लूंगी, प्लेजरिज्म भी आज कर लूंगी, इसके अलावा सर बताएं आप इसमें। अच्छा आप इसमें जो है आपने ये इसको आपने टाला करना, ठीक है, क्योंकि बार बार ना छोटी छोटी गलतियां निकालते हैं ये भी सारे, इसको सारे सर ये डीपीसीसी पहले तो इधर होगा ना डिफेंस डिपार्टमेंट में, हाँ पहले इसके बाद उधर होगा, इधर ही मसला होता, बाकी तो ठीक होता है, ये मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊँ ना, इधर है इसके वो जो है ना
मुबीन का तो मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो बड़ा हो गया। ये तो वैसे मेरी कहते हैं ना सर, मेरी भी इतनी ही कमांड करवा दें कि वहां पे टेंशन ही ले लिया आपने। ये तो कंफर्म है, ये तो हो गया सर जी, इसमें टेंशन ही कोई, ये तो मेरा अपना फील्ड है। अच्छा कैप्सियम जीनस बिलोंग्स टू सोलिनेशी फैमिली। अच्छा इसको ना आप वाकई ये बात आपकी ठीक है, इसको बहुत शॉर्ट करें थोड़ा सा। हाँ, ये ऊपर वाला खैर शॉर्ट करें, असल ये है ठीक है ऊपर वाला। अच्छा और इसमें आप ये ऐड करें कि करंटली पाकिस्तान के अंदर कितनी डिजीज इंसिडेंस है, वो लिखा है आपने? नहीं सर वो नहीं लिखा। ठीक है सर, स्पेसिफिक वायरस की इंसिडेंस नहीं मिली थी। अब ये भी बल्कि जो मुझे मिले है ना कि चिली के ऊपर कितने वायरस आइसोलेट है, वो भी मुझे इंडियन पेपर से मिला है। यहाँ नीचे आएगा ये सर, ऊपर करें थोड़ा। So far 65 viruses have been reported, including Vigomo virus. ये भी मुझे ये शुक्र था कि इसका reference latest था 2020 का। Chili, Bulgaria, throughout the world, this disease is very severe. 100% loss of marketable seed has been reported. सर इसका reference 2020 का था तो मैंने ये फिर चीज़ ऐड की थी। ठीक है इसमें reference ज़्यादा है। हाँ वो मैं वो करूँगा। अब तो आपको समझ आ गई, बड़ा easy है reference ऐड करने, जितने मर्जी इकट्ठे करके इसके अंदर ना ऐड कर दो। ठीक है ये production आ गई। अच्छा अब ये इंक्रीज हो रही है आप तो कह रहे हैं, ठीक है तो अब आपने ये बताना है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जहां पर ये डिक्रीज हो रही है? सर ये भी नहीं मिला था मुझे पाकिस्तान। अच्छा अब इसमें देखेंगे कि क्या पंजाब के अंदर, आपने बताना है कि पंजाब के अंदर ना इसकी ना एग्जैक्ट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है पंजाब के अंदर कितनी ग्रो हो रही है, पहले कितनी थी, पंजाब के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू सिंध। आपने बताना कि ये एज कम्पेयर टू सिंध, ये पंजाब के अंदर ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है इधर कि यहाँ पर 100% मार्केटेबल यील्ड खत्म हो जाती है इसकी, क्योंकि इतना सीवियर अटैक होता है चिली लीफ कर्ल डिजीज कॉम्प्लेक्स का। सर अब ये भी मैं चाहती थी कि मुझे पाकिस्तान से रेफरेंस कोई मिले, लेकिन चले वो भी मैं ढूंढ लूंगी, वो मिल जाएगा मुझे इसके। अच्छा ये जो कैप्सिकम इज ससेप्टिबल फॉर नंबर ऑफ पैथोजन इंक्लूडिंग वायरसेस, सो फॉर 60 वायरस हैज बीन रिपोर्टेड। अच्छा कैप्सिकम इज ससेप्टिबल टू अच्छा कैप्सिकम तो आप चलेंगे ना दूसरी तरफ, वो जो शिमला मिर्च होती है उसको नॉर्मली कैप्सिकम कहते हैं। लेकिन सर अब ये देखें कई पेपर्स में मुझे कैप्सिकम जो है वो उन्होंने शिमला मिर्च के रेफरेंस से लिखा हुआ, कहीं पे चिली में ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये चीज भी पेपर्स में बड़ी कंफ्यूजिंग थी। अच्छा और ये आपको पता होना चाहिए कि चिली को डबल एल से लिखना है या वन एल से लिखना है। यहाँ से एक बार लिखा है ना वो आपने सिमिलरली हर जगह उसी से ही करना है। ठीक है तो ये आपने इसको, बल्कि सर यहाँ पे भी कैप्सिकम की जगह मैं चिली भी लिख दूंगी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस पेपर में उन्होंने किया तो डिस्कस चिली को ही था, चिली ही लिख दे तो ज्यादा अच्छा। चिली पेपर नॉर्मली इसको चिली पेपर कह देते हैं, इस ससेप्टिबल टू। अच्छा चिली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, चिली प्रोडक्ट पेपर प्रोडक्शन या यील्ड, yield is threatened by many diseases including bacterial and fungal viral and fungal diseases. ठीक है viral and fungal diseases but leaf curl disease caused by white fly transmitted Gemini virus are the major फैक्टर। ठीक है ठीक है डिजीज चिली रिपब्लिक सेटल बाय मेनी डिजीज मेनी फंगल एंड वायरल डिजीजेस। ठीक है गया बट द लीफ कर्ल डिजीज काज बाय द वाइट फ्लाई आर द मेजर फैक्टर्स। ठीक है अच्छा ससेप्टिबल टू मेनी अच्छा
चिल्ली क्रॉ चिल्ली पेपर अच्छा देर आर मैनी अच्छा चिल्ली क्रॉ इज देर आर मोर देन 65 वायरसेस हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम चिल्ली देर आर मोर देन 65 वायरसेस हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम चिलीज बट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट Bicobo viruses are in subcontinents. Bicobo viruses are continuously reported from Chile. ठीक हो गया? Are continuously reported and causing major losses in productivity. Acha, lekin there are more than 60 acha, and viral diseases are major, there are more than 60 viruses. Yet repetition to nahi ho rahi. Is threatened by many viral but acha ji but caused by the virus transmitted Gemini versus WTG इसको हम लिख देते हैं WT next time हमने ना लिखना है WTG लिख देंगे Wi-Fi transmitted Gemini versus there are more than 60 has been reported reported from Chile but in Indian subcontinent Bicobo viruses are major concern. Mm-hmm. Are continuously reported. But indicative are the. But in India, across India and Pakistan, Bicobo viruses are. Are reported and causing major mastiga are continuously reported bas kyunki humne major disease upar likh di hai theek hai yahan pe aage yahan pe hum ye likh denge ki jo hai na even up to 100% jo hai wo loss jo hai wo report ha this disease acha isko hum kahenge subcontinent continuously reported idhar aapne reference utare wo sare kaun kaun se references hai balki ye jo sare humne copy kiye the na ये भी इधर हम क्योंकि ये हमने इधर ऐड कर दे रहे हैं ये देखो ना तो आप साथ ही इसको आपने एंड्रॉइड एक्स फाइव में जाके इसको अपडेट करते जाना ठीक है क्योंकि हमारा फिर ना वो पता लगेगा अच्छा इस बंदे ने इतना पढ़ा हुआ है सर लगी समझ हमने अगर दो लाइनों पर इतने रेफरेंस दिए हाँ अच्छा है ये अच्छा होता है कि इसमें कोई इशू नहीं होते चलिए इस क्या वैसे इस चीज पे इशू तो नहीं करते हैं उसको कोई इशू नहीं होते इस सस्पेक्टिकल टू नंबर ऑफ पैथोजेंस ये तो फिर वही हो गया दोबारा सर वो हम इसको कट कर देंगे इसको कट करेंगे ठीक है भैया दिस डिजीज चिली क्रॉप इस एरी फेयर एंड एवर अप टू 100 अच्छा अच्छा अब इसको का लीफ कर्ल डिजीज अच्छा और कास्ट बाय वाइट फ्लाइट ऑस्मोसिस व्हिच ऑफ द बट लीफ कर्ल डिजीज एलसीडी या हम इसको कह देंगे चिली पर पेपर चिली लीफ कर्ल डिजीज कास्ट बाय चिली चलो ठीक हो गया अच्छा बट चिली लीफ कर्ल डिजीज इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स चिली लीफ कर्ल डिजीज यहाँ पर बट चिली लीफ कर्ल डिजीज कॉम्प्लेक्स अच्छा देयर आर मोर देन अच्छा चिली लीफ कर्ल डिजीज इज कॉज्ड बाई अच्छा एक मिनट इसमें थोड़ा सा चिली लीफ कर्ल डिजीज स्टैंडर्ड बाय मेनी
अच्छा इसमें थोड़ा ध्यान ये इतना 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 इतना, इतना। अच्छा चिली पेपर चिली इज थ्रेटेड। अच्छा चिली पेपर देर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग चिली क्रॉप इन पाकिस्तान बट देर आर मैनी फैक्टर्स कॉज there are many factors that threatened chili production in Pakistan. They threatened chili production in Pakistan. But chili. डिजीज। अच्छा इसको आप हम नेक्स्ट टाइम ना CHLCD लिखना है, इसको CHLCD नेक्स्ट टाइम हमने CHLCD लिखना है ताकि इससे प्लेजरिज्म भी नहीं होती, ठीक है। देर आर मेनी फैक्टर्स दैट थ्रेटन चिली प्रोडक्शन, यहाँ पर सी दी छोटा होना, ठीक है। अच्छा मुझे लगता है कि CHILI होता है चिली, ठीक है। इसमें भी हमने चिली लीफ कर्ल डिजीज कॉम्प्लेक्स, बट चिली लीफ कर्ल डिजीज कॉम्प्लेक्स चिली लीफ कर्ल डिजीज कॉम्प्लेक्स कास्ट बाय, ठीक है, कास्ट बाय वाइट फ्लाई ट्रांसमीटर इज द मेजर फैक्टर्स, ठीक है। सर इससे जाओगे ना चाबी रूम पर जाना, फिर बॉक्स का भी जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, दोनों राइट्स मांगता है, तुझे जा रहे हो? हाँ, मतलब बॉक्स में चल रहे हैं, तो बॉक्स जाना, ठीक हो गया। There are more than 65 viruses has been reported from Chile, but there are more than 65 viruses has been reported from Chile's. ये सच ही तो गया क्या? चिली लीफ कर्ल डिजीज के बारे में कास्ट बाय वाइट वाइट ऑस्मिट इज द मेजर कंसर्न फैक्टर्स। अच्छा CHLCD CHLCD is caused by galaxy of Gemini viruses. It's not caused by a single Bigomo virus, but it's a galaxy of. सर वो ये तो हम लिख चुके हैं ना यहाँ पे Gemini virus तो लिख दिया हम. नहीं वो उस Gemini viruses के अंदर भी many एक ही जर्मन वायरस है, देर आर वी। अच्छा चलो वो भी आप इसमें चिली लीफ कर्ल डिजीज कॉम्प्लेक्स CHLDCs इज कॉज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ WTG, ठीक है, इंक्लूडिंग उसमें लिखने वो सारे पेपर लीफ कर्ल वायरस, ठीक है। अच्छा उसके बाद चिली लीफ कर्ल वायरस, अच्छा उसके बाद है पेपर लीफ कर्ल बांग्लादेश वायरस, देश वायरस, अच्छा अच्छा उसके बाद आ गया टोमेटो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस, लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस। इस तरह जितने भी आपको उन सब के ना रेफरेंसेस, ठीक है ना, ठीक है, और एंड कंटिन्यूअसली दिस वायरस इज मॉडिफाइंग एंड न्यू रिपोर्ट्स जो आती रह रही। मेरी बात की समझ आ रही? अच्छा अब चिली लीफ कर्ल वायरस को ना हमने ये जो है ना इसका फिर इसका शॉर्ट टर्म भी साथ साथ लिखते जाना, इसको हम करेंगे CHLCV, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिखेंगे? पेपर ये छोटा क्यों आ रहा? पेपर लीफ कर्ल बांग्लादेश वायरस, ठीक है। अच्छा इसी तरह ये जो है टोमेटो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस, ठीक है,
टोबैटो लीफ ठीक है बट एक विशेष इस कॉल बाय कॉम्प्लेक्स ऑफ वाईफाई ट्रांसमीटर चैनल इंक्लूडिंग बीप एंड ये कर दो ठीक हो गया ठीक हो गया इसमें इधर रेफरेंसेस आपने ऐड कर दे ठीक है अच्छा अब इसको रहने दो देयर आर नो ठीक है इसको रहने दो आप ठीक है अब इसको ये जो आपने रेफरेंस दिए हुए ये सारा इधर कर दिया साथ ही ठीक हो गया और यहाँ से हमने इसको जरा थोड़ा सा हमने बताना है कि इसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सेस हैं ठीक है और इसकी वजह से मेजर लॉस हो रहा है ठीक हो गया ये सारी दिस डिजीज इज सीवियर अप टू 100% बस यहाँ तक हमारी कहानी सही बन रही है ठीक है जेमिनी वैरायटी इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ प्लांट वायरसेस विद मोर देन 60 नोन वायरसेस therefore the taxonomy and nomenclature of viruses has been complex but new species new sequences are deposited daily the family Gemini variety has been divided into 9 genera ठीक हो गया genus के 9 genera को थोड़ा-थोड़ा मैंने जैसे genus भी गोमो से शुरू की है इसी तरह थोड़ा-थोड़ा चार पांच लाइनों में हर इसको मैंने इसको लिखा है 9 के 9 genera family dicotyled plants are transmitted they are persistent they have twinned icosahedral सर अगर कोई ये क्वेश्चन करे कि भाई आपने जेमिनी वायरस लिखा तो आप सारे जेमिनी वायरस को आइसोलेट करेंगे तो हम कहेंगे जो हमें जो आइसोलेट हो गए तो फिर उसके लिए हमें सर प्राइमर सारे लेने पड़ेंगे कोई जनरल प्राइमर होते हैं कोई भी मिल गया कोई मसला नहीं जनरल प्राइमर से एक दो भी आइसोलेट कर लिए सर इसमें देखिए जनरल प्राइमर होते हैं जेमिनी वायरस के लिए हम तो स्पेसिफिक वो बिगोमो वाले यूज करते हैं ना जनरल आप स्पेसिफिक भी बना सकते हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है स्पेसिफिक बनाने की हम यही कह देंगे कि हम जनरल 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 ठीक है मेरे लिहाज से आप ये जो इतने इसको किया जब मैं वायरस लिखा था तो फिर मजबूरी बन गई थी सारे 9 जनरा को थोड़ा 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 लिखना क्योंकि अब बिगोमो को तो हमने ना ज्यादा फोकस कर सकते अब हमने लिखा जेमिनी पहले तो मैंने नहीं लिखा था वो फिर रात को जब आपने टाइटल भेजा तो उसके बाद फिर मैंने सारे 9 जनरा ठीक हो गया सेवरल चीज इन पीआर वाला सर ये यहां से जो तकरीबन चीज है ना ये मुबीन वाली कॉपी नहीं यही है बस सही है कोई इशू नहीं है सारा हमारा ना बल्कि ये आपका ज्यादा अच्छा हो गया क्योंकि आपने इफेक्टेड ट्रिगर इम्यूनिटी सर देखें अब जैसे मैंने अपने टॉपिक में वो एटीआई लिख दिया लेकिन मुबीन का स्पेसिफिक ही जीन फैमिली है वो कोई इशू नहीं तो सर इसमें क्या डिफरेंस आएगा फिर अगर जब आपने तो कोई भी कर लेना उसको तो वही करना पड़ेगा आपको ये भी कर सकते हैं अगर कोई नई फैमिली भी मिल सकती है वो भी कर सकते हैं मेरी बात की समझ आ गई तो कोई इशू नहीं चाहे एक फैमिली के ऊपर भी काम कर लिया ना आपने तो हम इस ईटीआई के रिलेटेड और आप ये ऑलरेडी इसके ऊपर ईटीआई के ऊपर लिखा हुआ है इसलिए आप यू डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन अबाउट दैट दिस इज परफेक्ट ठीक है और इफेक्टेड ट्रिगर इम्यूनिटी ये लेकिन आपको सर ये विर्की फैक्टर्स का मुझे नहीं कुछ समझ आया था ये मुझे आप समझा दें थोड़ा अच्छा कॉपी है आप ये कॉपी है मेरे वाली पे लिखे ताकि मेरे पास रहे तो याद रहे अच्छा अच्छा आप मैंने उसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपको बताई थी ना सारी दो पार्ट होते हैं एक होते हैं वायरुलेंट एक होते हैं ए वायरुलेंट ठीक हो गया अच्छा ये जो ए वायरुलेंट पार्ट है ना ये खुद या इसका कोई पार्ट अच्छा एवरुलेंट पार्ट है डिजीज नहीं कॉज करता प्लांट के अंदर लेकिन ये कोड प्रोटीन भी हो सकती है ठीक है ये प्लांट वायरसेस के अंदर ये कोड प्रोटीन होती है अब ये जो कोड प्रोटीन है ये क्या करती है कि ये प्लांट के अंदर क्या करती है कि ये जो एवरुलेंट पार्ट है कोड प्रोटीन का ये प्लांट के अंदर जाकर सर आपने कहा था ये कोई फ्लैजेला भी हो सकता है फ्लैजेला भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इस तरह काइटन जो फंगस की होती है काइटन वो भी हो सकती है जो करता है अच्छा अब ये जो कोड प्रोटीन है ये प्लांट के अंदर होते हैं रेजिस्टेंट जीन ठीक है अब रेजिस्टेंट जीन क्या करते हैं कि नॉर्मली जो रेजिस्टेंट जीन होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं ठीक है वो अच्छा अब फर्क ये एवरलेंट पार्ट कोड प्रोटीन की शक्ल ये है ठीक है तो इसके अंदर भी इसी तरह का एक रिसेप्टर होगा इस तरह का जो ये वाली शय है ना इधर आगे फिट हो जाए
अगर तो ये फिट हो जाती है तो ये नीचे सिग्नल पहुंच जाता है कि पैथोजन आ गया। अगर इसकी शक्ल ये है और इसकी शक्ल इस तरह की है तो जाहिर है वो इसके ये इसके साथ फिट नहीं होगा और पैथोजन की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये इसके साथ फिट हो जाएगा तो नीचे से ये अपना रेजिस्टेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा, अपनी सेल वॉल मजबूत कर देगा और अपने अंदर ऐसे जीन्स एक्टिवेट कर देगा जिसकी वजह से इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। अच्छा, लेकिन अपनी सेल वॉल मोटी करनी शुरू कर देगा ताकि इंसेक्ट्स है वो इसको बाइट ना कर सके या वायरस है वो एंटर ना हो सके, ठीक है, बैक्टीरिया वो इधर एंटर ना हो सके, वैक्सीन लाइक कंपाउंड प्रोड्यूस करने शुरू कर देते, इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब रेजिस्टेंट जीन नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होते हैं, सेल वॉल के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंट जीन के अंदर नॉर्मली ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट होती है कंपाउंड जिसे कहते हैं ल्यूसीन रिच रिपीट्स होती है, LRR, आपको पता ही होगा CC coil coil होता है। और इसके अलावा हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, हम PTI में आएंगे। इसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि उसके अंदर क्या होता है कि वीकी जब ये पैथोजन एंटर हो गया अपने कुछ इन्होंने प्रोटीन बनाने शुरू कर या अफेक्टर्स ऐड कर दिए तो क्या होता है कि विर्की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, विर्की क्या करते हैं? अच्छा, विर्की और सैलिसिलिक एसिड ये दोनों एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ऐसे अच्छा जो विर्की है नॉर्मली ये विर्की क्या करता है कि विर्की क्या करता है कि हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स काज करता है, ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई। अच्छा, और सैलिसिलिक एसिड क्या करता है कि फर्ज के साथ वाले सेल में सैलिसिलिक एसिड रिड्यूस हो गया। अब सैलिसिलिक एसिड क्या करता है कि वो NPR1 एक जीन है, मैं आपको उसकी इधर मेरे पास एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, शायद मैंने उस दिन आपको दिखाई थी। अच्छा, इसमें ये है P6, ये वायरस के अगेंस्ट ही बनाई हुई है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के ऊपर ना, मैंने ये एक प्रेजेंटेशन शायद जब आप MSc करते थे तो मैंने ये प्रेजेंट भी की थी, आपकी क्लास को पढ़ाया था। ठीक है, ये वाला ये देखिए, अब ये क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम किधर आ गया, किधर आ गया, ये वाला। अच्छा, अब ये देखिए, ये इससे पहले के नेक्स्ट, अच्छा ये वाला जो मेरा सर पहले दिखाना चाह रहा हूं। अच्छा, जब भी ये जो P6 एक वायरस है, जब भी प्लांट के ऊपर वायरस का अटैक आता है, ये देखिए NPR1, अच्छा ये नॉर्मल है, ये NPR1 जीन बना हुआ है, लेकिन ये डाइमर है, ये जीन है, ये इसके साथ ये डाइमर की फॉर्म में है, क्या है, डाइमर है, ये दोनों इनएक्टिव है, ये इस फॉर्म में है कि ये दोनों प्रोटीन बनी हुई है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म है और ये नॉर्मल लाइफ प्लांट की है, ये बीजी पूरी भी बना हुआ है, ये सब कुछ बना हुआ है लेकिन इनएक्टिव है। यू ही पैथोजन आया, उसने क्या किया, सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड का लेवल हाई ऊपर किया, सैलिसिलिक एसिड ने क्या किया कि इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया और ये एक्टिवेट हो गया, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक किया और ये एक्टिवेट हो गया। जब ये एक्टिवेट हुआ तो इसने जाके ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये और BZP ये दोनों क्या है, मिलके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ये दोनों क्या करते हैं कि जाके प्रमोटर के ऊपर बाइंड करते हैं और इन जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का ये मकसद होता है कि वो प्रमोटर को प्रमोटर पे अटैच होकर PR जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। PR जीन्स, अब PR क्या है, PR की भी डिफरेंट टाइप्स है, PR1 PR2 आपको पता लगेंगे। अच्छा श्वेता जी, 2 मिनट अंदर जैसे 12 मिनट अपना मोबाइल फोन ले आओ, अल्लाह खैर, ये आप जब तक इसको पॉज पे लगा दें। अच्छा, NPR1 के बाद ना, अच्छा ये PR1 है ना, फर्ज किया ये वो हो सकता है काइटिनेज, PR2 हो सकता है जो भी इसका है, ग्लूको जो ग्लेक्टा,
जो भी सेल वॉल होती है इसकी, किसकी, बैक्टीरियल सेल वॉल, मेरी बात की समझ आ गई आपको? इस तरह पी आर डिफरेंट होती है। अब हमने देखना है कि आ इसके अंदर कितनी पी आर है और वैसे कौन सी पी आर है दैट इज रिलेटेड विद जेबरा वायरस इन्फेक्शन, ठीक है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। ये हो गया सैलिसिलिक एसिड का, ठीक हो गया। और ये नॉर्म अगर हम, ये तो ये है ना कि ये सैलिसिलिक एसिड आएगा तो तब ये एक्टिवेट होएगा। अच्छा, लोगों ने क्या किया हुआ है कि एनपीआर वन को ना ओवर एक्सप्रेस करवाया हुआ है। आप नेक्स्ट कई पेपर देखोगे आप एनपीआर इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, हॉर्टिकल्चर और क्रॉप्स, ये बहुत प्यारा एक आर्टिकल है। ये देखो एनपीआर वन एज ए ट्रांसजेनिक प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि एनपीआर जीन हैज अ सेंट्रल रोल इन लॉन्ग लास्टिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिफेंस रिस्पांस नोन एज सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं एसएआर, ठीक है, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। हो व्हेन ओवर एक्सप्रेस इन ट्रांसजेनिक कंटेंट एंड रैपिड ऑफ दिस जीन एनहांस रेजिस्टेंस टू नंबर ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। अब इसको ऑलरेडी ओवर एक्सप्रेस करवा देना तो इससे क्या होता है कि दे हैव अ रोल इन मेनी, वो है ना कैरेट के अंदर भी इसको ओवर एक्सप्रेस करवाया लोगों ने, ठीक है, फिर इवन सिट्रस के अंदर, कॉटन के अंदर, राइस के अंदर, सोयाबीन के अंदर, टोबैको के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर, वीट के अंदर। इससे क्या हुआ कि उससे जो रेजिस्टेंस है ना तो वो बढ़ गई है तमाम पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस टॉलरेंस आ गई, फिर आ गई ये सारे डिफरेंट। अब हमने, मेरी बात की समझ आ गई, हमने बिहेवियर चेक करना है एनपीआर वन का अगेंस्ट पिगोमोवायरस इन्फेक्शन, इस तरह मेरी अदर जो जीन्स है, ठीक है। और ये कहानी समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, ये वो एनपीआर वन के उन्होंने फिर ओवर एक्सप्रेस कराया, टैग किया विद जीएफपी, तो वो पता चला कि ये जी एनपीआर वन लोकलाइज कहाँ पर होती है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, जब हमने ये सारा काम कर लेना है, हमने सारे जीन्स हमने आइडेंटिफाई कर लेने हैं, जब हमें प्लांट्स लगाने हैं, उसके ऊपर इन्फेक्शियस क्लोन देना है, जब इन्फेक्टिविटी आएगी फिर हमने इसका डीएनए करके जो हमने जीन्स आइसोलेट या आइडेंटिफाई किए होंगे उनको प्राइमर डिफाइन करेंगे हम, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। फिर हम वो लगाएंगे रियल टाइम पीसीआर, जीन एक्सप्रेशन करेंगे। तो सर पीसीआर हम लगाएंगे क्यों, मैं ये पूछना चाह रही थी, वो चेक करने के लिए इसका जीन एक्सप्रेशन, लीफ के अंदर लीफ लेंगे ना उसको, क्या इसके इनमें से हम इससे हमें यह अंदाजा होगा कि कौन सा पी आर वन एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा एनपीआर वन की भी डिफरेंट टाइप्स होंगी, उनमें से इनमें अब रैबिडोसिस के अंदर एनपीआर वन फाइव है, अब इन एनपीआर वन पर क्या हो सकता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एनपीआर टू फंगस के अगेंस्ट, अब इसके अगेंस्ट कौन सा एनपीआर जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, हम सब तो वो करना है, हम सब का चेक करेंगे, लेकिन उनमें से फिर हमें ये अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। इवन हम इसका आरएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस भी, अगर हमारे पास कोई पैसे हुए ना, और हम आरएनए सीक एनालिसिस भी कर सकते हैं, वो तो हमने जस्ट मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करके ना वो हमने भेज देना उधर, क्या मतलब के एक कंपनी है उसको भेज देना, तो उसने हमें सारा टोटल जीन एक्सप्रेशन स्टडी करके भेज देनी है, जब आउट ऑफ कंट्री जाएंगी तो वहां जाके हम इसे करवा देंगे, ठीक है सर। बाकी ना, लेकिन वो लिखना नहीं है हमने, इसे वो नहीं लिखना, ज्यादा काम में नहीं लिखना। हाँ। सर अब एक दफा ना इसका जो वो है ना, मैंने पेपर ये जो क्या कह रहे हैं, ये किधर रह गया, पीएचडी सर, अफसर, अच्छा ये अब तकरीबन ठीक है इसको, ठीक है सर। ये और नीचे से भी थोड़ा सा पढ़ लें, ये भी आई थिंक ठीक ही है। कैप्सिकम है अब सर, ये एक मैंने पेपर पढ़ा था, ये मैंने कुछ चेंज किया था, चिली के एंड मुझे मिला था, ये उन्होंने कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ब्रिकी जो है वो पैथोजन इस पैथोजन डिसेबल ट्रांसक्रिप्शन दैट मे हैव अ रोल इन फेंस, ठीक है। ओवर एक्सप्रेशन इन चिली रिजल्टेड इन द हरास हाइपरसेंसिटिव सेल रिपोर्ट Pseudomonas and even tobacco mosaic virus. इसके अगेंस्ट क्या करता है, hypersensitive response को
इनहांस करता है तो इसका मतलब है कि डिफेंस ही आता है ना डिफेंस है हां सही है सर ये बस कुछ के मैंने उस सिट्रस से हटा अच्छा लेकिन लेकिन इनमें से कुछ ऐसा भी है कि इसको ओवर एक्सप्रेस करवाने से विनकी के अंदर भी कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनको ओवर एक्सप्रेस करवाने से ना ससेप्टिबिलिटी ज्यादा हो जाती है जी सर ये वाला जो है ना इसी तरह का एक और भी फैक्टर था अच्छा अब हमने यही करना है कि हमने से देयर आर मेनी जो डिफेंस रिलेटेड जीन्स हैं उनमें से हमने वो भी आइडेंटिफाई करने हैं जिनको अगर हम डाउन रेगुलेट कर दें सर डाउन को नेगेटिव रेगुलेटर कहेंगे क्या कहेंगे हां उसको नेगेटिव रेगुलेट करते जब हम उसको डाउन रेगुलेट करेंगे ना तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जीन हेल्प करता है वायरस को स्प्रेड होने में हम उसको डाउनलोड क्रिस्पर कैस के थ्रू हम उसको जब डाउन रेगुलेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि डिजीज ना आए ओके देयर आर सम होस्ट फैक्टर्स होंगे दैट हेल्प इन डिजीज सेवेरिटी मेरी बात भी समझ आ गई अब ये सारा एनालिसिस करने के बाद हम वो भी देखेंगे जिसको हम ओवर एक्सप्रेस करवाएंगे तो वायरस की सिम्टम्स कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी मेरी ये कहानी भी हम लेकिन ये काम हम छोड़ेंगे पोस्ट पीएचडी स्टडी के लिए ठीक है सर ये सिग्निफिकेंस भी हो गई सेम वैसे ही है जैसे उसकी थी बस मैंने जेमिनी वायरस रिकॉर्डिंग कर दी कि हमारा सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हमने वो जीन आइडेंटिफाई करने हैं जेमिनी वायरस के अगेंस्ट ठीक है बस इसको भी थोड़ा मैं शॉर्ट कर दूंगी काफी इसको थोड़ा सा शॉर्ट इसको भी शॉर्ट कर दूंगी और सर ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव देखो पहला वही है क्लोनिंग वाला आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन जेमिनी वायरस डीएनए सैटेलाइट जेनेटिक डाइवर्सिटी जेमिनी वायरसेस एसोसिएटेड विद जेमिनी वायरसेस एंड ए डाइवर्सिटी रहने दो एसोसिएटेड विद विद चिली लीफ कर्ल डिजीज कॉम्प्लेक्स चिली लीफ कर्ल डिजीज कॉम्प्लेक्स ठीक है अच्छा रेडिकेशन करता है जर्म वायरस एसोसिएटेड विद चिली लीफ कर्ल डिजीज कॉम्प्लेक्स ठीक है इन लाहौर ये आगे लिखना है बाय यूजिंग फाइलोजेनेटिक एंड फाइलोजियोग्राफिक जितना सादा होगा ना काम उतना ज्यादा अच्छा है डिवीजन है कैटर जीन फैमिलीज अच्छा अफेक्टर टिगर ईटीआई अच्छा इसमें लिखे वो ईटीआई अफेक्टर टिगर एक मिनट अच्छा जी ईटीआई को हम इधर लिख देते हैं ईटीआई ये ठीक है ब्रांचेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन एंड जीनोम वाइड कैरेक्टराइजेशन ठीक है जीनोम वाइड कैरेक्टराइजेशन एंड एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑफ अफेक्टेड वेजिटेटिव डिफेंस रिस्पॉन्स जीन इन चिली अगेंस्ट जेमिनी वायरस इन्फेक्शन ठीक है ये वायरस को अच्छा फिर नीचे से था मॉलिक्यूलर एंड फिजियोलॉजी ठीक हो गई ये भी सही है ठीक है इसमें वही चीजें आ जाएंगी जो हमने फिर ग्रो करके और सर लोकल सी इसका डाटा और डॉट ठीक है और इसको अटैलिक हो जाए ओके ये छोटी-छोटी चीजें जो कुछ नहीं होता होता वो फिर एसी से एवर आ पा देता showing typical
Gemini virus infection. ठीक है चिली प्लांट सैंपल चिली में काम है ना हमारा एक तो मैं हर बार डबल एल लेके देख देना चिली तो कोई हम कर लेंगे इसको तो प्लांट सैंपल शोइंग टिपिकल सिम्टम्स ऑफ जेमिनी वायरस इन्फेक्शन अच्छा इसको हम transfer to lab. To the lab or further research or store at minus 80 centigrade. DNA will be extracted using the CTAM method as described by ठीक हो गया सर यहाँ पे जेमिनी वायरस आ जाएगा आइसोलेशन ऑफ फुल लेंथ ठीक कर लूँगी PCR / RCA हम करेंगे will be performed to amplify अच्छा Gemini viruses will be isolated from will be isolated from DNA